हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, जितना भी मेरे मॉर्निंग का काम था आज तो बड़े मुश्किल से ख़त्म हुआ है, मतलब बड़े मुश्किल से। अब आप लोग पूछेंगे वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि घर में रात को है ना चूहा आ गया था, तो और वो चूहा आया किचन के रास्ते से। अब वो किचन में मेरे को समझ में नहीं आया कि आया कहाँ से, क्योंकि पाइप जो था ना मैंने वो नीचे अटैचमेंट करके लोहे का लगाया था, तो लोहे में वो कट करते पूरे लोहे को भी कट कर दिया उसने, और वो वहाँ से पाइप में नीचे सिंक के वहाँ से तो अंदर आ गया। तो रात को 1-2 बजे मेरी नींद खुली, मुझे आवाज़ आई किचन से, मुझे लगा पता नहीं क्या है घर के अंदर, ऐसा क्या आ गया अंदर। तो फिर मैं दौड़ के जाके देखा तो फिर चूहा था, तो फिर मैंने गेट बंद कर दिया। फिर सुबह देखा मैंने जाके तो वो वहीं था। फिर उसको बड़ी मुश्किल से, तो जब तक मेरा किचन पूरा तहस नहस कर दिया था, और बच्चे आ गए स्कूल से और आज जल्दी आए हैं बच्चे स्कूल, क्योंकि इनके एक चल रहे हैं एग्ज़ाम। मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ घर से, घर के काम से, और आज से इनके पेपर शुरू हुए हैं। आ जाओ भाई, वेलकम है। कौन सा आया छोटा बड़ा? ओ भाई तो इसके पेपर चल रहे हैं, और ये कैमरे में कभी नहीं आना चाहता, बहुत कम आना चाहता है। और मैं कैसी लग रही हूँ, देखना अच्छे से कैसी लग रही हूँ, अच्छे से अच्छे बंद करके देखो, ऐसे देखता मुझे ऐसे कि मुझे आप दिख ही नहीं रहो जैसे देख रहे हैं मुझे। मैंने पूछा कैसी लग रही हूँ, मैंने आज न्यू टी शर्ट पहना है, तो अरे देख तो ले एक बार कैसी दिख रही हो। इसके पापा की जैसी आदत है, कभी न्यू जब भी न्यू कपड़े पहनो ना तो ये पापा भी नहीं देखते, ये भी नहीं देखता, मना कर देता पता नहीं मुझे। तो अब जा रही हूँ पार्टी लेके कपड़े धोने। हाँ बेटा नरेंद्र, और मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज ये 12 बजे आ गए बच्चे, और वैसे भी सर्दी के टाइम में काम करते करते 12-1 तो बज ही जाती नॉर्मली, वैसे 2 बजे आते हैं डेली, पर आज 12 बजे इनकी छुट्टी हो गई है, क्योंकि प्रिंस आया नहीं है, आएगा प्रिंस तो कपड़े सुखा लेती हूँ मैं पहले। मुक्ति हो गई उसकी आज तक, पूर्णिमा है तेरे बना दूंगी क्यों भाई, ये नहीं खाएगा क्या। तो गा रहे हैं मक्की के दलिए की घाट, और मैं खा रही हूँ मक्की की रोटी और लौकी की सब्जी। और ये मक्की की रोटी मैंने सुबह जब पतिदेव ऑफिस गए थे जब उनकी एक रोटी बनाई थी, जब मेरे भी बना ली थी मैंने, और इनके आटा गेहूँ का लगा के रख रहा था पर इन्होंने मना कर दिया, तो मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि मेरे को तो लग रही है भूख। मेरी है छाछ तो याद ही, मतलब घाट में डाली है नहीं है, जो 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 काट खाएगा उनके छाछ पर। अब आपने नहीं खाया है, और मैं रोटी भी नहीं बना रही हूं, मैं रोटी भी नहीं खाने वाला, छाछ तो छाछ तो वही है जो मैं थोड़ी देर डाल दूंगी। और आदि बना के लिया है पॉपकॉर्न, और प्रिंस और मेरे लिए, तो ये प्रिंस और मैं खाऊंगे आधे आधे। और प्रिंस की पड़ गई है मार, डांट भी पड़ी है मार भी पड़ी है, क्योंकि ये जिस जिस से बड़ा हो रहा है ना थोड़ी थोड़ी बदतमीजी करने लगा है, तो इसलिए मैं इसको डांट दिया था। जब किचन में आदि पॉपकॉर्न बना रहा था ना, तो ये जाके बहुत परेशान कर रहा था किचन में जाने की, इसकी बहुत गंदी आदत हो गई है, जब भी कोई कुछ बनाता है तो ये जाके परेशान करता है, और मैं जब बनाती हूँ जब मुझे तो कम करता है और उसको ज़्यादा करता है अंशु को, इसलिए इसकी डांट पड़ गई है, इसलिए इसका चेहरा देखो। तीसरी बिल्ली फ़ायदा उठा जाती है, तो दो बंदरों की लड़ाई में मैं तीसरी बिल्ली हूँ, चाहे इंसान समझो चाहे बिल्ली समझो, मैं खा लेती हूँ पॉपकॉर्न, और कॉफ़ी भी बनाई इसने, कॉफ़ी भी मैं पी लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम लड़ते हैं इतना है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें।
मैं जा रही हूँ खाना बनाने और प्रिंस सो रहा है। अब इसको अभी सोने का टाइम है क्या? अभी ए बेटा उठ जा बेटा, अभी कोई सोने का टाइम नहीं है और 6 बजने वाले हैं और इसको अब आके जाके नींद आई पढ़ते पढ़ते कि अब मुझे नींद आ रही है। पर मैंने कहा बेटा अब शाम का टाइम हो गया है तो नहीं सोना चाहिए शाम के टाइम पे, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होती ना बच्चों की, तो फिर चिड़चिड़े से हो जाते हैं बच्चे, फिर खाना भी टाइम से नहीं खाते हैं। और अभी इतना वो भी नहीं है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सके लाइफ में, छोटा है तो नींद पूरी नहीं होगी तो फिर चिल्लाएगा चिड़चिड़ाएगा खाना भी टाइम से नहीं खाएगा। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद में कर लेती हूँ खाने की तैयारी। सबसे पहले मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर ले आए थे कल शाम को लेके आए थे, पर दिन में बनाना था, दिन में नहीं बनाया मैंने कभी कभी आजकल, मतलब कभी कभी नहीं आजकल, मेरे साथ यही होता है अक्सर कि काम कभी करना होता है, कब काम कर रही हूँ कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैं फ्री होती हूँ ना तो थोड़ी देर थक जाती हूँ तो रेस्ट के लिए चली जाती हूँ मैं, और रेस्ट पर जाती हूँ तो फिर घंटे दो घंटे बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। एक बार कंबल अगर शरीर पर डाल लो ना तो गरम गरम लगता रहता है। और बच्चों ने पॉपकॉर्न बना के दिए, उसके बर्तन इतने सारे कर दिए पॉपकॉर्न बनाए उसके, तो मैं सोच रही हूँ हलवा बना लेती हूँ, हलवे की तैयारी कर लेती हूँ और साथ के साथ बर्तन वगैरह, और खाने में दाल चावल बन रहा है तो वो दाल चावल की तैयारी कर लेती हूँ। दाल चावल की तैयारी नहीं करनी होती है, फिर भी दाल की तैयारी करनी होती है, तड़का वगैरह लगाना ही पड़ता है। और चावल तो प्लेन चावल बने, आज चाय नहीं पीना इसलिए, चाय पी लेते ना तो नींद नहीं आती है। कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी तुमने तो कॉफी पी ली, मैंने ना तो कॉफी थी मेरे लिए ना चाय थी मेरे लिए, तो बोला था आपको। हाँ तो ऐसे मैं नहीं पीती कॉफी वॉफी कुछ भी हो, चाहे चाय वाय मैं नहीं पीती ऐसा, मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसी ठंडी कॉफी। कौन पीता है बिल्कुल ही ठंडी थी, वो ठंडी हो गई थी, वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी बिल्कुल। कहाँ से गर्म थी? मत कर ये टूट जाएंगे बेटा, वो गरम थी मैं कह रहा हूँ। कोई नहीं तुमने पी ली ना, मैं अपने लिए चाय बना के भी अदरक लाते चाय बनाती थी उनके लिए। मैं अभी इस समय, हाँ बिल्कुल अभी एक समय कौन पीता है? एक टमाटर लगे तो दाल बनाती हूँ, दाल वो टमाटर एक टमाटर ले दूंगी मैं, थोड़े से चावल बना लूंगी, दाल बना लूंगी। तेरे बनाने चावल, और दिन में चाय नहीं बनाई थी तो अभी अभी अदरक लेके आया तो मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और एक ही बनाई है चाय और किसी के लिए नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने कॉफी बना के पी ली थी दिन में इसलिए, तो मैंने कॉफी नहीं पी थी उस टाइम पे, पॉपकॉर्न खा रही थी ना तो फिर मेरे कॉफी पीने का मन भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कॉफी भी ये पी लेंगे और पॉपकॉर्न भी खा लेंगे, तो चाय तो बन रही है, चाय तो बनेगी क्योंकि अदरक नहीं थी। और फिर सिर में भी इतना भयंकर दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों मेरे और याद हो गया सारे। मैं खाना बना रही थी और मसालेदानी नीचे से निकाली थी तो मेरे हाथ से ग्लास गिर गया, टूट गया है ये, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो मेरा कप तोड़ दिया, अब तो कभी हाँ कप भी तोड़ दिया, क्योंकि जो काम करता है उसी के हाथ से कुछ ना कुछ टूटता है, तो हाथ नहीं लगाना बेटा हाथ कट जाएगा, तो कुछ ना कुछ टूटता फूटता डेली रहता है मेरे हाथ से, कुछ ना कुछ उठता ही टूटता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कांच की चीजें या फिर इसका कप वगैरह, पर ये स्टील के बर्तन भी गिरते हैं मेरे से पर वो टूटते फूटते नहीं है, पर ये आज टूट गया है तो इसको ले इसको बाल्टी में कचरे की बाल्टी में ऐसे ले डाल देता तो पता नहीं चलेगा, पर जिस दिन पता चलेगा डांट पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो सीधे सीधे ले जाना बेटा। और 10-15 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही है तो इसका भी मैं घी निकालूंगी, और घी भी ख़त्म होने वाला है वैसे तो मैंने सोचा कि निकाल लेती हूँ कल सुबह, फिर बाद में अगर फिर टाइम नहीं मिला ना तो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और सर्दी के टाइम में वैसे भी इतना सा दिन होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या क्या करें, और अगर उसके बीच में भी अगर हम कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं ना तो टाइम ऐसे ही चला निकल जाता है, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि जो सोचा हुआ काम होता है ना वो सारा बिगड़ के रह जाता है, वो होता भी नहीं है मेरा तो सच में नहीं होता है, कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं होता है, एक बार बिस्तर पे जाने के बाद में तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं सो नहीं या फिर नींद ना निकालूँ दिन में तो ठीक रहता है, और अगर नींद आ जाती है तो फिर तो सर काम रह ही जाता है, तो घी निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा है अभी। दाल बन चुकी है और इसके बाद मैं चावल बनाऊंगी, और सुबह का आटा रह रहा है तो 2 से 3 रोटी बना लूंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि प्रिंस को ही खानी है, बाकी किसी को नहीं खानी, इसलिए
ज़्यादा आटा नहीं है, वो चावल कम खाता है। और यहाँ मैंने निकाल लिया मलाई से मक्खन, अब इसको गर्म कर लूँगी तो घी बन जाएगा, तो अभी थोड़ा वेट करूँगी पर निकाल गर्म कर ही लेती हूँ, क्योंकि चावल जब तक दाल की सीख निकलती है ना जब तक ये काम हो जाएगा मेरे, गर्म हो जाएगा घी अच्छे से आराम से। तो ये काम तो हो चुका है, ये सोच रखा था कब से ही। हाँ दाल बन गई, बस अब कुछ भी नहीं करना, चावल चावल बनाने, दाल की सीटी निकल जाए तो फिर इसी कुकर में डालूंगी। फिर आदि जा रहा है कोचिंग, और कोचिंग जाते टाइम पे इसको दाल बनी हुई दिख गई थी, तो बोल रहा था कि मैं दाल पीक कर जाऊँगा थोड़ी सी, तो मैंने कहा ठीक है गरम गरम दाल पीक के चला जा। और कई बार तो इसको अगर ज़्यादा भूख लग रही होती है तो मैं रोटी सेक देती हूँ तो ये खा के जाता है, तो ये दाल ही ठंडी कर रहा था। और इसको दाल का बहुत ज़्यादा शौक है, दाल कौन सी भी बनाओ, सबसे ज़्यादा मसूर की दाल पसंद आती है या फिर मूँग की दाल खाना पसंद करता है ये। और बच्चे वैसे भी एक टाइम अगर बच्चों को दाल बना के दी जाए ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं, क्योंकि अच्छे से मेश करके रोटी खाने में आ जाती है। और मेरे बच्चे तो अधिकतर दाल खाना ही पसंद करते हैं, और सब्जियां तो अगर बन जाती है ना तो नहीं खाते हैं शायद, पर दाल बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो वो कोचिंग जाते टाइम पे दाल पी के जा रहा है कटोरी भर के, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और हम लोग तो पहले खा लेते हैं, और ये आता है जब कभी कभी तो बना देती हूँ और नहीं बनाती हूँ तो फिर ये आता है जब भी खाता है, जो बनी हुई रोटी रहती है। हम तो घूम के आ गए हैं, और घूम के आने के बाद जस्ट घर पे हमको मिला है सरप्राइज बहुत बड़ा, और सरप्राइज में मिले हैं गुलाब जामुन। फटाफट डालो ठंडे हो जाएंगे। कितने लेगा, चार दे रहा हूँ। चार ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, हो गए। मैं भी गर्म गर्म खा लेती हूँ।